तो दोस्तों, आपको ऐसा पीक करने के लिए एटलीस्ट 3 फिंगर तो खेलना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कवर में ही अपना स्कोप खोल लेना है। उसके बाद जस्ट आपको कवर से थोड़ा सा बाहर निकलना है और बाहर निकलते ही क्राउच एंड फायर कर देना है। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर आप कवर में हो और सामने वाला एनिमी रश कर रहा है तो क्या करना है। तो आपको यहां पर भी सेम प्रोसेस करना है, बस आपको क्राउच करते रहना है कवर से निकलने के बाद।